ओम शांति। आज की तारीख है 19/10/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा। हम बच्चों को भक्ति का फल देने आए हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम बहुत भटके शिव बाबा को ढूंढने के लिए, और बहुत हमने गुटके भी खाए, तो शिव बाबा आए हैं इन सब बातों से हमें छुड़ाने। तो मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सब गुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो, इस विषय वैतरणी नदी से पार हो जाते हो। प्रश्न है, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? उत्तर है, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता, वह ज्ञान में पड़ता है, लेकिन याद में फिर माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सावधान रहो, माया का गुस्सा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, सर्व संबंधों की जो सैक्रीन है, उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में तीखी दौड़ी लगाओ, उसमें खूब आगे बढ़ो। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। नंबर दो, बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विकर्म नहीं करना है, पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। प्रतिज्ञा तोड़नी नहीं है, परंतु प्रतिज्ञा का पालन करना है। वरदान शिव पिता का दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं कि प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, और वो है अलबेलापन। वो नए नए रूप में आता है, इस ही लूज स्क्रू को टाइट करो। मुझे बाप समान बनना ही है, ये है टाइट करना। इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।